गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज, आप सबको इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम कथा सुनेंगे बकासुर की कथा। पिछले कथा में हमने बकासुर की कथा को ख़त्म किया था। आज हम उसके भाई, बकासुर के भाई थे अकासुर, और बकासुर की बहन थी, उसका नाम था उतना। उतना का ही भाई था अकासुर। अकासुर की कहानी कुछ इस तरह से आती है कि जब बकासुर की मृत्यु हो जाती है भगवान श्री कृष्ण के हाथों, तब मामा कंस बहुत विचलित हो जाता है और बहुत आतुर हो जाता है कि ऐसे कैसे जो बकासुर है उसकी मृत्यु हो गई, अब हम किसके द्वारा हम भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण की हत्या करेंगे। तब उनके सारे समर्थक वहाँ पर बैठे हुए थे और कंस सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था कि ऐसे कैसे बकासुर की मृत्यु। तब बाकी उनके परिषदों ने कहा कि बकासुर का जो मृत्यु इस प्रकार हुई कि भगवान श्री कृष्ण वो बहुत मायावी है, भगवान श्री कृष्ण अपार शक्ति से भरे हुए हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था, कंस को पता नहीं था कि ये कृष्ण वही है जो कंस का वध करे आकाशवाणी के हिसाब से। सारे मंत्री परिषदों में ऐसी ही चर्चा हो रही थी, तभी जो कंस है वो कहा कि हे परिषदो, ये हो ना हो, ये जो बालक है गोकुल का वो भगवान श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जब हमने उस बच्ची को पटका था शिला पर, वो बच्ची मरी नहीं, हमारे हाथ से छूटकर वो ऊपर चली गई और दुर्गा का रूप लेकर कहा कि देख कंस, हमको मारकर कुछ फायदा नहीं है, कि तुमको मारने वाला कोई और पैदा हो चुका है। और जो गोकुल वाले के पास, जिस नंद बाबा के घर में दूर दूर तक किसी बच्चे की होने की खबर नहीं थी, उनके घर में अचानक ऐसा बच्चा कैसे प्रकट हुआ, वो ना हो, ये कौन है, ये वही कृष्ण है आकाशवाणी के हिसाब से, ये बालक कृष्ण ही हो सकता है, क्योंकि कृष्ण के अलावा ये बकासुर का कोई अंत नहीं कर सकता, ऐसी हम मानते हैं। जब कंस कहे कि क्या इस दुनिया में और कोई नहीं कि जो कृष्ण का वध कर सके, तब मंत्री परिषद में से एक ने कहा कि है एक अकासुर नामक दैत्य है, जो कि बकासुर का भाई है, जो कि राक्षसी उतना का भी भाई है। तब कंस ने कहा कि अच्छा, वो अजगर अकासुर इतना मायावी और विशाल है जो उस गवाले कृष्ण की हत्या कर सकता है। तब सारे मंत्री परिषद ने कहा कि जी महाराज, उनकी हत्या वो अकासुर कर सकता है। तब अकासुर को आदेश दिया गया, अकासुर अकासुर कहकर जब कंस ने पुकारा, तो देखिए उस समय की कितनी कम्युनिकेशन तेज थी कि अकासुर स्वयं ही प्रकट हो। अकासुर विशाल सर्प था, इसलिए उसने अपनी लघु रूप बनाकर आया और कंस से कहा कि हे महाराज, मैं आपको नमन करता हूँ, साथ में सभी परिषदों को भी नमन करता हूँ, आप लोग बताइए मुझे क्या करना है। जैसे ही कंस ने शुरुआत की कि मुझे कृष्ण को मारना है, उन्होंने कहा, उस सर्प ने कहा कि मैंने अपने भाई की मृत्यु का खबर सुना, मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए आतुर हूँ, इसलिए कंस महाराज आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं कृष्ण को तुरंत ही मार दूँ। जब भगवान श्री कृष्ण को मारने की बात चली, तब कंस ने कहा कि देखो अकासुर, वो कृष्ण बहुत छलिया है, वो ग्वाल बालक बहुत छलिया है, मायावी है, कि उसे तुम कैसे मार पाओगे, वो तो तुम्हारे पास आ नहीं सकता और तुम इतने भारी शरीर लेकर तुम उसके पास जा नहीं सकते, तुम उसके पीछे भाग नहीं सकते। तब अकासुर ने कहा कि महाराज, ये मेरा छोटा रूप है, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, मैं अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसलिए मैं लघु रूप बनाकर आपके सामने आया हूँ, मैं वहाँ पे अपना विशाल रूप प्रकट कर दूँ। तब कंस ने कहा कि विशाल रूप प्रकट कर दोगे तो तुम मारोगे कैसे। तब कंस को अकासुर ने कहा कि उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए महाराज कंस, मैं कृष्ण को कैसे मारूंगा ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह से अकासुर कहकर उस जंगल की तरफ गया जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे दोस्त गाय चराने गए थे। गाय चरा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, तभी कृष्ण को सारे उनके दोस्तों ने कंधे पे उठाकर जय कृष्णा का नाम बोलते हुए जा रहे थे, कंधे पर बैठा है।
हाथी घोड़ा पाल की जय कृष्णा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कृष्णा लाल की, ऐसे कहते उनके सारे दोस्त जा रहे थे। उसी समय कुछ छोटे गाय की बछड़े है बच्चिया वो दौड़ते हुए कृष्ण के बीचों बीच से भागे। तो मनसुखा ने कहा कि अरे बहू तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी सेनापति की सवारी चल रही है, तुम क्या करो, तुम इस माल से नहीं जाओ। गैया कहाँ सुनने वाली थी, उन्होंने जैसे ही दौड़ लगाए भगवान श्री कृष्ण को उनके सारे दोस्तों पर रखकर मतलब कंधे से उतार कर भाग गए। इस तरह से कृष्ण और गिर गए और बाकी लोग भाग गए। तब कृष्ण जब गैया आई भाग गई तब सारे दोस्त उनके पास आए और कहे कि हे दोस्तों, हे बंधु सखाओं, तुमने ये क्या किया, तुमने अपने सेनापति को ही गिरा दिया, तुम ऐसे कैसे निडर हो, तुम लोग बहुत डरते हो, तुमने तो सेनापति को ही गिरा दिया। तब सारे दोस्तों ने कहा कि हमने सेनापति को इसलिए नियुक्त किया है कि सेनापति अपनी रक्षा स्वयं करेगा, हम सोते जागते सेनापति की ही तुम्हारी ही ध्यान में मग्न रहते हैं कि हमें कुछ भी होगा तो कृष्ण हमें जरूर बचा लेगा। इस तरह से तभी भी श्री कृष्ण कहे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सब एक हैं और एक दूसरे पर भी हमको मदद करनी चाहिए। ऐसी वार्तालाप हो रही थी, तब तक दोपहर का वेला हो गया था, सूर्य सातवें आसमान पर था, सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तभी कृष्ण ने कहा कि तुम बचाओ चाहे नहीं बचाओ, मुझे तो भूखा मार ही दोगे, इसलिए चलो चलो अपनी गठरियाँ सब खोलो और चलो हम सब खाते हैं। सारे दोस्त सारे ग्वाल बाल के मिलकर गठरी लेने जा रहे थे, तभी जो अजगर था वो अपनी पूरी मुँह फैलाए ऐसे खड़ा हुआ। तब बच्चों को लगा कि यह कोई पहाड़ है, कोई गुफा है। सारे बच्चे ने कहा कि ये गुफा तो पहले नहीं था, ये अचानक कैसे प्रकट हुआ। तभी किसी ने हंसी मजाक में कह दिया कि कल आंधी आई थी, उसमें जो झाड़ियाँ उड़िया थी वो सब तो उड़ गई, मगर ये पहाड़ दिखने लगा, पहाड़ का मुखमार हो गया। सारे बच्चे उस पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर जाने लगे और कहे कि कृष्ण को भी बुलाने लगे कि हे कृष्ण, तुम भी आओ, देखो कितना ठंडा है, आज से हम यहीं पर खाना खाएंगे और आज हम यहीं पर गठरी खोल कर खाना खाएंगे। तब जब गठरी खोलने के लिए वो लोग अंदर जाने लगे, फिर पीछे से कृष्ण भी गए, तब अकासुर भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही पहचान ही चुके थे, परंतु जैसे ही अंदर गए तब तक अकासुर ने अपना मुख बंद कर लिया और अपने शरीर को इधर उधर दुलाने लगा और उन सभी ग्वाल बालकों को खाने की चेष्टा करने लगा। सारे बच्चे मूर्छित होकर गिर पड़े, भगवान श्री कृष्ण समझ गए और तब ग्वाल बालक को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस सर्प का अकासुर का मुख खोलने और उसको मारने की बहुत कोशिश की। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी जबड़े को दो फाड़ में बदल दिया और सारे बच्चे को बाहर निकाले और सारे बच्चे सुरक्षित वापस निकले। तभी सारे बच्चों के चक्षु पे अंधेरा छा गया। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस विराट अजगर सर्प के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और उस ज्योति में एक दिव्य देव निकले बाहर। दिव्य देव बाहर निकले तो वह दिव्य देव ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति, आज कई युगों के बाद आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ है, मैं आज अपने श्राप से मुक्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण को अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाने। अकासुर ने कहा कि मैं पहले आदि दैत्य शंखासुर का पुत्र था, आदि दैत्य शंखासुर का मैं पुत्र था और मैं कामदेव की भांति बहुत ही सुंदर सुशील गुणवान और पवित्र था और बहुत ही सुंदर था, अपनी सुंदरता को लेकर मैं बहुत घमंडी था। एक समय की बात है, जब मैं जंगल में विचरण कर रहा था तभी उस मार्ग से जब मैं मार्ग में विचर रहा था तब उस मार्ग से महर्षि अष्टावक्र जा रहे थे। महर्षि अष्टावक्र का शरीर चारों तरफ से बेका टेढ़ा, आज की भाषा में लकवा मारा जैसा उनका शरीर था। क्षमा करें, मैं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, परंतु आप सबको समझाने के लिए मैं महर्षि का ऐसा रूप का वर्णन कर रहा हूँ। अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा बेका ऐसे होने के कारण मैं यानी पन जो आदि दैत्य शंखासुर का पुत्र अक्टासुर था वो कह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उनके शरीर को देखकर मैंने महर्षि अष्टावक्र का बहुत अपमान किया और कहा
कि हे महर्षि, आपकी ये जो लचकती कमर और लचकती ये बाहें, ये चलते समय इतने जो लचक है आपके शरीर में, ये शरीर आपने कहाँ से पाया? आपकी ये हाथ है, आपकी ये भौं है, आपकी ये आंखें, आपकी ये नजरें, आपके ये चाल, आपके ये ढाल, ये जब आप चलते हैं तो आपकी कमर लचकती है। आप जब चलते हैं तो तीनों लोकों में ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई इंद्र लोक की कामनी, इंद्र लोक की जो अप्सराएं हैं वो भी लज्जित हो जाए। ऐसे ताने बाने देकर वो महर्षि अष्टावक्र का अपमान कर रहा था। कौन? शंखासुर का पुत्र, आदिदैत शंखासुर का जो पुत्र था अकासुर, वो कर रहा था। उस समय तो वो दैत्य मतलब उनका नाम तो चिन्हित नहीं है, इसलिए मैं अकासुर ही कहकर आपको संबोधित कर रहा हूँ। तो उस सुंदर जो दिव्य जो देव थे, उस देव ने कहा कि ऐसी हमने उनका भूत अपमान किया। तब आखिरी में जाकर अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र थे, वो हमें कहा कि हे पुरुष, तुमने मेरा अपमान किया है और ये जो मेरा शरीर मिला है वो भगवान के द्वार से मिला है, भगवान की दुकान से मिला है। जा, अगर तुम्हें ऐसी शरीर चाहिए तो तुम भगवान के द्वार से तुम्हें ऐसी शरीर दुकान से मिल सकती है। अष्टावक्र जी ने कहा कि ऐसा ही शरीर क्यों, आठ भागों में ही तोड़ा हुआ शरीर क्यों, इससे भी तुम्हें अधिक तोड़े हुए शरीर, कई भागों में लचकने वाली शरीर तुम्हें प्राप्त होगी। और कहा कि देख बालक, ऐसा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो पूर्व जन्म के प्रकोप होते हैं उसी के कारण ही मनुष्य का शरीर गोरा काला अंधा काना, आजकल की भाषा में जो किन्नर झक्कर, ऐसी जो शरीर मिलती है वो भगवान के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। किसी का कूड़, किसी के शरीर में झर्म रोग, ऐसी तमाम बीमारियों के साथ इस मृत्यु लोक में जीवन जीना पड़ता है, ये सब भगवान के ही आदेश से होता है। इसलिए किसी काने को देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, काना कह के उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए, लंगड़ा को लंगड़ा देखकर चिढ़ाना नहीं चाहिए, लंगड़ा कह के चिढ़ाना नहीं चाहिए। किसकी कमर लचक रही है उसको ऐसे छक्का की कहकर, उसका किन्नर कहकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे कहकर किसी भी संसार के किसी भी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय तो आपको पल भर के लिए मुस्कुराहट मिल सकती है। हो सकता है जिसका आप अपमान कर रहे हैं वो भी आपके उस समय मुस्कुरा सकता है, परंतु उसके जो आत्मा में तकलीफ होती है, उसके आत्मा में जो आह निकलती है, उसका जो आह निकलते हैं बोलने वाले को समाप्त कर देती है। इसलिए मैं आज के जनरेशन को भी ये कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का अपमान ना ही करे, क्योंकि कोई भी इंसान 100% अच्छा नहीं होता। हर एक इंसान में एक एक ना एक एक कमियाँ होती ही, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, और कोई इंसान ऐसा होता है कि आपकी कमियाँ देखकर भी अवॉइड करता है, वो आपको बोलना नहीं चाहता। आप उसके सामने ना कहें, उसके पीठ पीछे तो आप उसका अपमान करते हैं कि उसकी कमर लचकती है, उसकी बाहें फड़फड़ाती है, उसकी मैन मटकते हैं। ऐसा किसी को कहकर, वो काला है, वो गोरा है, उसको चर्म रोग है, उसके शरीर में विशेष प्रकार की बीमारियां हैं, आजकल के समय में जो क्या बोलते हैं पॉक्स है, जो मंकी पॉक्स का बीमारी है, कितने को तो मैंने देखा उसकी हड्डियां, सारे शरीर से हड्डियां निकल रही हैं, पूरे बदन में हड्डियां निकली हुई है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को देखकर आप अपमान ना करें, क्योंकि वो उनके पूर्व जन्म का एक श्रापी होता है। इस तरह समझाते हुए जो अष्टावक्र थे, महर्षि अष्टावक्र ने अपने हाथ में जल का आह्वान किया और उस अष्टावक्र को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर सर्प का हो जाए और तुम कई भागों में लचको, तुमने ऐसे मेरे लचकने के लिए बहुत आतुर थे, इसलिए जाओ तुम सर्प हो जाओ। इतना सुनकर शंखासुर का पुत्र बहुत पछतावा हुआ और भगवान महर्षि अष्टावक्र के चरणों में लेट गया और चरणों में लेट करके गिड़ाते हुए कहा कि हे महर्षि अष्टावक्र जी, मैंने तो विनोदवश ही ऐसा कहा था, मुझे नहीं पता था कि इसकी सजा इतनी भयानक होगी, इसलिए महर्षि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब महर्षि ने कहा कि ऋषि के मुख से निकला हुआ एक भी श्राप हुआ आज तक वापस नहीं हुआ है,
ये भी वापस नहीं होगा, ये भोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। परंतु जाओ, तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आएंगे और तरित होंगे धरती पर, तब उनके चरणों रज से तुम्हारा उद्धार होगा और तुम फिर से एक दिव्य दैव बन जाओगे। इस तरह से ये अकासुर का एक छोटा सा कहानी है। और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से अकासुर मुक्त हुआ और उनका जो अकासुर का दिव्य जो स्वरूप था वो भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी दिव्य आत्माएं होती हैं वो आकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये सब हमारी ही लीला है। इस तरह से आज हम अकासुर का कथा को समाप्त किया। आगे हम फिर कोई और कथा लेकर आए हैं। आप सबको ये कथा कैसी लगी, आप सब लाइक कमेंट कर मुझे जरूर बताइए। आप सबने मुझे सुना इसलिए मैं आप सबको हेमंता गुरुकुल का संस्थापक और आप सबको इस चैनल कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।